सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग ग्राफ मैजिक में ग्राफ का कन्वर्सन सीखेंगे। ये सीखेंगे कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे बदलते हैं, कैसे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में ट्रांजिट करते हैं। इसको सीखने के लिए मैंने बोर्ड को तीन कॉलम में बांट के रखा है। एक कॉलम में आपको पोजिशन टाइम, दूसरे कॉलम में वेलोसिटी टाइम और तीसरे कॉलम में एक्सीलरेशन टाइम का स्कोप रखा है। और सबसे पहले हम एक ग्राफ की यहाँ पर बात करेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपको ऐसा कोई प्लॉट मिल गया। ये ग्राफ आप देख करके एनालाइज कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि इस केस में ऑब्जेक्ट ने बिना टाइम लिए हुए अपना पोजीशन चेंज किया है। फिजिक्स में कोई ऐसी एंटिटी, क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट नहीं है जो बिना टाइम लिए अपना पोजीशन चेंज कर पाए। ऐसा है कि लाइट जो फास्टेस्ट हम मान करके चलते हैं, उसको भी सन से अर्थ तक आने में 500 सेकंड लगते हैं। तो बिना टाइम लिए पोजिशनल चेंज अगर कहीं दिखे तो उसको इम्पॉसिबल ग्राफ मान करके छोड़ सकते हैं। चलिए, अब अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ मिले, दैट इज टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे केस में आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप बेसिकली टेन थीटा होता है। थीटा हर पॉइंट पे जीरो है, इसलिए स्लोप जीरो होगा। तो स्लोप जीरो का मतलब क्या हो गया? पोजिशन वर्सेज टाइम ग्राफ का स्लोप जो है स्पीड या वेलोसिटी दे सकता है। तो ऐसे केस में स्पीड या वेलोसिटी आप बोल सकते हैं कि जीरो है, तब ऑब्जेक्ट के बारे में क्लेम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। अच्छा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है यहाँ से। जैसे अगर हम यहाँ पर ओरिजिन मान लें, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए एस की बात करेंगे, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि अगर ये इस तरफ मूव करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एस का डायरेक्शन आपको नेगेटिव होगा। या सबके लिए साइन कन्वेंशन हम यही रख करके चलेंगे। ऐसे साइन कन्वेंशन हम बदल भी सकते हैं, बट फॉलो मोस्ट ऑफ द पीपल के द्वारा यही होता है, इसलिए इसको मान करके भी चलिए। ओके, अब इसके वेलोसिटी की बात किए तो वेलोसिटी जीरो था। अगर इसको प्लॉट दिखाना भी पड़ता वेलोसिटी का टाइम के साथ, तो टाइम तो चेंज करता लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं करता। दूसरी बात क्या है कि अगर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑल द टाइम जीरो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो होगा, यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो ऐसे भी नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों ही जीरो होगी। चलिए, एक दूसरा ग्राफ हम लोग यहाँ पर ले लें। फिर से हम लोग वही पोजिशन टाइम ग्राफ ही ले लेते हैं, लेकिन इस बार पोजिशन टाइम ग्राफ इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखा। चलिए, ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस ग्राफ जो दिखा, इसके स्लोप के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। स्लोप बेसिकली टेन थीटा, तो यहाँ पर थीटा जो है वो लेस देन 90 है, यानी थीटा एक्यूट है। एक्यूट एंगल के लिए टेन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसीलिए ये कांस्टेंट तो होगा ही, क्योंकि हर पॉइंट पे एंगल सेम है, साथ ही साथ ये पॉजिटिव भी होगा। ओके, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ अभी बताए थे, पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है। हाँ, पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी भी आपको उसी डायरेक्शन में, अभी रिवर्स नहीं किया है, रिवर्स करेगा तब आपको नेगेटिव होने की बात आएगी। तो यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ कांस्टेंट होगा। यहाँ पर एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के साथ वही होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा। वैसे केस में एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फिर से ब्लैंक रह जाएगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखना चाहें, ओके, एस के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहें, तो हम एस इज इक्वल टू वी इंटू टी लिख सकते हैं। मतलब एस जो है कांस्टेंट रेट से टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके, ऐसे हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एक्सेलेशन नहीं है इसलिए वो टर्म छूट गया है। तो ये इक्वेशन भी आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको क्या मिला, वाई इज इक्वल टू ये एम इंटू एक्स, जहाँ एम स्लोप होता है, वाई एक्सिस में पोजिशन है, एक्स एक्सिस में टाइम है, और चूँकि स्लोप कॉन्स्टेंट है और ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, एक बात और जान देंगे, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसका इंटरसेप्ट फॉर्म जो यहाँ पर प्लस सी होता है वो नहीं है, जीरो है। ओके,
इसी ग्राफ को आप चाहें तो थोड़ा सा बदल सकते हैं, बदल क्या सकते हैं। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे नहीं था और तब उसने स्टार्ट किया कहीं से और स्टार्ट करके उसी तरह से चला जैसे पहले चल रहा था। वन सेकेंड, सारे इन्फॉर्मेशन एज इट इज रह जाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है कि एस नॉट एडवांटेज पहले मिला हुआ है, यानी वो फॉरवर्ड है। तो वैसे केस में यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस वी इंटू टी, और तब यहाँ पर आपके पास सी इंटरसेप्ट के जगह पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट और यहाँ पर भी मतलब एम इंटू एक्स ऐसा मिल जाएगा। ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ओके, और सब इन्फॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी अबाउट एक्सीलेशन सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, तब आप इसके बाद से आप चलिए नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभी तक तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन के बाद आपको कर्व की बात करनी है। अच्छा, यहाँ कर्व जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा खासा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि इस तरह का कोई कर्व है, ओके, इंक्रीजिंग अपवर्ड, जिसको कनकेव अपवर्ड भी बोला जा सकता है। अगर ऐसा कोई ग्राफ आपके पास है तो उसके इन्फॉर्मेशंस क्या होंगे ये हम लेकर के चलते हैं। अब देखिए, स्लोप की बात करें वो टेन थीटा, ओके, और टेन थीटा यहाँ पर आपको बेसिकली वेलोसिटी देगा। और ये वेलोसिटी है ना, अगर हम स्लोप हर पॉइंट पे निकालें तो दो तरीके हैं, या तो टेंजेंट ड्रॉ कर लें, नहीं तो टाइम एक्सिस हर पॉइंट पे दिखाएं। तो यहाँ पर थीटा अभी भी एक्यूट ही आ रहा है, थीटा एक्यूट जब तक रहेगा वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, ओके, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम ले सकते हैं क्या, कि स्लोप जो है हर पॉइंट पे, क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा इंक्रीज करेगा, तो स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, यानी वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे केस में अगर इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो अब हमको टाइम एक्सिस के साथ यहाँ पर इस तरह से प्लॉट करना होगा। अब वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, ओके, यहाँ पर वेलोसिटी है और वो इंक्रीज भी कर रहा है। तो अब आप ऐसा पूछ सकते हैं ऐसा कि सर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो दिखाने का क्या मतलब है? तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करने के पहले वो जो स्लोप था वो जीरो था, और उसके बाद से ग्रेजुअली वो चेंज हुआ है, ओके। तो इसीलिए स्लोप अगर जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगा, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो रखा है। हाँ, अभी इसका एक्सीलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो पहले ही बताया कि अगर हम स्लोप निकालते हैं किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो वो आपको यहाँ पर एक्सीलेशन देगा। ये अगर थीटा है तो थीटा एक्यूट है, फिर से वही पॉजिटिव वाली बात होगी। तो एक्सीलेशन पॉजिटिव होने के साथ साथ कांस्टेंट होगा, यानी एक्सीलेशन के लिए आप यहाँ पर जो ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। अब अगर इक्वेशन की बात करें इसके, तो एस के लिए इक्वेशन आपके पास हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और वी के लिए इक्वेशन आप यहाँ पर ए टी लिखेंगे, ओके, और एक्सीलेशन तो कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ देखिए, वी का जो टाइम के साथ रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है, और लीनियर रिलेशन होने के कारण ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जबकि एस का टाइम के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए क्वाड्रेटिक ग्राफ मिला, ओके। एक और बात, यहाँ पर जो एक्सीलेशन की बात कर रहे थे, ये एक्सीलेशन पॉजिटिव है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर आपको दे दें कि जब भी आपको कोई ग्राफ कहीं से भी हो, कनकेव अपवर्ड ऊपर की तरफ मिले, तो वैसे केस में आप बोल सकते हैं कि एक्सीलेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसके लिए पिछले वीडियो में भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है, चाहे तो आप देख सकते हैं 5 मैजिकल ग्राफ, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। ये बात हो गई। अभी इसी में थोड़ा सा और हम चेंज करेंगे। चेंज करने का क्या मतलब है, देखिए थोड़ा सा चेंज कुछ ऐसा करेंगे इस तरह से। अभी टी इज इक्वल टू जीरो पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ भी स्लोप कुछ ना कुछ है, वो स्लोप आपको जीरो नहीं है। और अगर स्लोप जीरो नहीं है तो टी इज इक्वल टू जीरो पे भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और ऐसे ग्राफ में ये वेलोसिटी आप इनिशियल वेलोसिटी डिनोट करते हो, तो यहाँ पर भी इज इक्वल टू आपके पास यू प्लस ए टी होगा, उसका इक्वेशन हो गया। और अब एस की बात करोगे तो
एस फिर से चेंज होगा यहाँ पर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और यहाँ पर अगर आप एक्सीलरेशन की बात करोगे तो एज इट इज वो जो पॉजिटिव मिला था उसी तरह से मिलेगा और वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। चलिए ये तो हो गई आपको जब अपवर्ड के केस वाली बात है। हो सकता है कि आपको एक प्लॉट कुछ ऐसा मिले, टाइम इधर, इधर पोजीशन और ग्राफ कुछ ऐसा। हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर फरमाना होगा। यहाँ पर हमको यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसका प्लॉट करना है। एक बार खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसको बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको स्लोप पे ध्यान देना है, सबसे पहले आपको स्लोप पे ध्यान देना है। स्लोप से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। एक बात दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा होगा कि हर पॉइंट पे थीटा जो है वो एक्यूट है। एक्यूट जब है तो आपके पास टेन थीटा पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान दें कि स्लोप हर पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है, तो जो वेलोसिटी जो होगा वो भी हर पॉइंट पे डिक्रीज करेगा। ओके, तो अगर इसके पास कहीं इनिशियल वेलोसिटी रहा, ओके, और ये इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज करते करते, अब देखिए इस पोजीशन पे, एकदम मिडिल वाले पोजीशन पे, ये ऑलमोस्ट कर्व हॉरिजॉन्टल होने जा रहा है, मतलब स्लोप यहाँ जीरो होने वाला है, मतलब वेलोसिटी जीरो होने वाला है। तो वेलोसिटी जीरो तो टाइम के साथ यहाँ पर जो वक्त वहाँ था वहाँ पर भी वक्त आपने प्लॉट करके देखा, तो इसको कुछ ऐसा प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, इस केस में अब आप वेलोसिटी को नेगेटिव तो क्लेम नहीं कर सकते, कैसे नेगेटिव क्लेम करेंगे, तो एक्सिस के ऊपर ही है। अब थोड़ी सी बात हम लोग एक्सीलरेशन की करें, तो आपको अभी बताया कि स्लोप जो होगा वो टेन थीटा होगा, और टेन थीटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का वो आपको एक्सीलरेशन देगा। यहाँ देखिए एंगल ध्यान से, टाइम एक्सिस के साथ हर पॉइंट पे देखिए, ये थीटा बेसिकली 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव होगा, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने के बावजूद नेगेटिव होगा। और ऐसे केस में अगर हम एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट करें, तो प्लॉट करने के बाद से हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पर यहाँ माइनस ए मार्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए नेगेटिव हो गया, याद रखें। एक सिंपल सा हैक है, सिंपल सा ट्रिक है, जब भी ये कॉन्केव डाउनवर्ड वाली बात होती है तो एक्सीलरेशन हमेशा ही नेगेटिव होता है। इस पे भी मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें आप देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया, इसका प्लॉटिंग हो गया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। हो सके तो कभी कभी ऐसा भी होता है, पोजीशन में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों होता है। ऑल्दो अगर हम इस ग्राफ को आगे प्लॉट करें तो इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए तो सही हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिक्रीज नहीं करता। तो डिक्रीजिंग आप अगर दिखा रहे हैं तो वैसे केस में आप बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है, चलिए इससे आपको वेलोसिटी ही मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ तक का कन्वर्सन तो ऑलरेडी हम कर चुके थे, यहाँ तक का ट्रांसलेशन ऑलरेडी कर चुके थे, उसके आगे का कन्वर्सन करना है। ओके, अभी हम बात करें तो फिर से हर पॉइंट पे हम स्लोप से देख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप निकालें, इस पॉइंट पे स्लोप निकालें, देखिएगा थीटा अभी ऑब्ट्यूज दिख रहा है, यहाँ पर थीटा ऑब्ट्यूज दिख रहा है, मतलब अब स्लोप नेगेटिव होगा। और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव होगा, लेकिन ग्राफ जो है कंटिन्यूएशन में है, इसलिए ये कंटिन्यूएशन में यूनिफॉर्म रेट से जैसा था पहले वैसे ही होगा, यानी इसका प्लॉट नीचे होगा, ये माइनस भी तक आएगा, माइनस भी तक आएगा। अभी अगर आप इसकी बात करें तो इसमें हुआ क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड गया होगा और रिटर्न होकर के वापस अपने पोजीशन पे आ गया होगा, यानी जो एस है वो जीरो है, और ये जीरो जो एस है वो आपको यू टी है ना। अच्छा, एक्सीलरेशन तो इस केस में नेगेटिव होना ही है, मैंने बोला ही कॉनकेव डाउनवर्ड मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो माइनस हाफ ए टी
स्क्वायर। ओके, अभी तक डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हुआ है। अब उससे नीचे जब आना शुरू करेगा ऑब्जेक्ट, तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये अबव टाइम एक्सिस है, ऑब्वियस है कि एस आपका पॉजिटिव। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्निंग नेचर है, वो बैकवर्ड आ रहा है। ओके, तो जैसे ही वो टर्न करके बैकवर्ड आना शुरू करेगा, वैसे ही उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये आपको कुछ ग्राफ थे, अच्छे ग्राफ। हाँ, अब इसमें अगर हम इक्वेशन दिखाना चाहते हैं वेलोसिटी के लिए, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर यू माइनस ए टी होगा। ओके, ये सब ग्राफ अगर आप कर लेते हैं, तो इसके बाद से कन्वर्सन लगभग जितने भी आपको करने हैं वो आसानी से हो जाएंगे। ग्राफ का कन्वर्सन भी कुछ हद तक फिल्मों की डबिंग के जैसा ही है, जैसे डब की हुई फिल्में समझ में तो आ जाती हैं, इमोशंस क्लियर नहीं होते, उसी तरह से हो सकता है कि आपने जो ग्राफ को कन्वर्ट किया है, उस कन्वर्टेड ग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मिला वो आपको समझ में आएगा। चलिए, इन्हीं सब को लेकर के कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी कर लें, एक आध क्वेश्चन आप पहले इसको कोशिश करेंगे, और इसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट होगा। जैसे हमको एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया, और इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो चलिए कोशिश कीजिए, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, इसका एस जो है वो नेगेटिव होगा, जैसा आपको दिख भी रहा है। ओके, अब इसके एक्सेलेरेशन की बात करें, ये कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड के केस में एक्सेलेरेशन जो होता है वो आपको मालूम है कि पॉजिटिव है। अब आपको इसके वेलोसिटी की बात करनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हर पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा, और मैंने बोला था कि स्लोप निकालने का तरीका है, या तो आप एक काम करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ओके, और नहीं तो जिस पॉइंट पे भी आपको निकालना है, उस पॉइंट पे आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एंगल आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा है वो बेसिकली एक्यूट दिख रहा है, और जब एक्यूट एंगल है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। और एक बात और आप ध्यान दें, यहाँ स्टार्ट होने के समय इसका स्लोप जीरो है। तो जब आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आप एक बात और देख रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके, तो जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होता है, तो वैसे केस में वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज करता है, इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भी यही होगा। तो ये आपका इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अब रह गई एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, तो इस तरह का जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको मिला था, उसका स्लोप आप जब निकालेंगे हर पॉइंट पे तो सेम ही मिलेगा। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा और साथ ही साथ पॉजिटिव होगा, यानी ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पे मिल गया। इस ग्राफ के क्रॉसबॉन्डिंग में आपने उसका वेलोसिटी वर्सेस और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकाल लिया। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा इस पर भी कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से, ये इस एक्सिस में आपका पोजीशन, इस एक्सिस में टाइम, और इस पोजीशन एक्सिस टाइम ग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है अगले वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम में। तो चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले एस के साइन की बात करेंगे, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो एस तो यहाँ पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पर जो नेचर है ग्राफ का वो देखिए, कनकेव डाउनवर्ड वाला है। और अभी तक मैंने बहुत क्लियर आपको बताया है कि कनकेव डाउनवर्ड मतलब एक्सीलेशन नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सीलेशन आपका नेगेटिव होगा, याद रखें। अब एक और बहुत ख़ास बात, अच्छी बात, कि हमको हर पॉइंट पे इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो आप स्लोप निकाल के देख सकते हैं, या तो टाइम एक्सिस पैसे मिला दीजिए, और नहीं तो यहाँ से टाइम एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और एंगल देख लीजिए। ओके, एंगल देखने के बाद आपको क्या लगा कि इस ग्राफ में एंगल आपका ऑब्ट्यूज है, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो वैसे केस में स्लोप नेगेटिव होगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी नेगेटिव हुआ। अच्छा, एक बात और बताया गया है कि जब वेलोसिटी और एक्सीलेरेशन दोनों का साइन सेम हो,
तो ऐसे केस में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज अब कैसे करेगा, तो इंक्रीज नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा, लेकिन करेगा। ओके चलिए ठीक है, ये भी आपको मिल गया। हाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि वेलोसिटी आपने ऐसा दिखाया है और डिस्प्लेसमेंट आपने उसका पॉजिटिव दिखाया है, हो सकता है ये लौटने वक्त का है, वापसी के वक्त का है, अभी तक ये ओरिजिन तक वापस नहीं आया, ओरिजिन तक वापस आता तो यहाँ पर जीरो तक आ जाता, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके अब एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आप अगर प्लॉट करेंगे तो ये टाइम हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया, और ये देखिए ये आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके तो अगर आपको गिवन रहे क्या पोजिशन टाइम ग्राफ, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट किया जा सकता है और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। चलिए एक और आपको लास्ट ग्राफ मैं एनालाइज करने के लिए देता हूँ, थोड़ा सा इसकी एनालिसिस आप कर लीजिए। मान लीजिए कि ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए और साथ ही साथ इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए कि दूसरा ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ के कन्वर्सन में आपको काफ़ी सहूलियत होगी अगर आप पहले वाले इन्फॉर्मेशन से क्लियर हैं, वाकिफ हैं तो। हाँ तो इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना था, ध्यान से उसको प्लॉट करें, शायद आपका हो गया होगा, मैं भी अब फिर से चेक कर लेता हूँ। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ओके कभी ज़रूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप बात करेंगे एक्सीलरेशन का तो ये कनकेव अपवर्ड है, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और रही बात स्लोप निकालने की, तो आप हर पॉइंट पे स्लोप निकाल दीजिए। ओके स्लोप निकालने के लिए या तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और नहीं तो हर पॉइंट पे टाइम एक्सिस बना लीजिए, एंगल देखते जाइए। वैसे केस में आपको मिला क्या कि ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज होने का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी आपका नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर भी का साइन नेगेटिव होगा। अब देखिए दोनों का साइन अपोजिट है, इस केस में वेलोसिटी आपका डिक्रीज करेगा और स्लोप जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट पैरेलल होने जा रहा है, तो जहाँ पर पैरेलल हुआ स्लोप वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा, यानी इसके पास इनिशियली वेलोसिटी था, ये यू था नेगेटिव में और फाइनली ये यहाँ पर जीरो हो गया जैसा कि दिख रहा है। अब चलिए एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव है यानी आपका ये ग्राफ आएगा। तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, काफ़ी अच्छा कलेक्शन इस बार मैं लेकर के आया था, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।